आपने बताया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इनेलो बसपा गठबंधन का आप कह रहे हो कि हरियाणा की राजनीति में कोई खास प्रभाव? बहुत थोड़ा डालेगा तो सही। और जेजेपी और एएसपी के गठबंधन का प्रभाव बीएसपी इनेलो से ज्यादा या कम? कम, बहुत कम, बहुत कम, आधे से भी कम। यही आम आदमी पार्टी, हाँ, इसी आम आदमी पार्टी ने यही कांग्रेस थी। हाँ, 2012-13 का दौर आपको भी याद है, मुझे भी याद है, सारे देश को याद है। बिल्कुल। ऐसा कौन सा नेता कांग्रेस का था जिस पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? सही कह रहे हैं आप। क्या राहुल गांधी को अपने जो उनके सूरमा हैं हरियाणा के जी, उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए कह दिया गठबंधन किया जाए? दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में चुनावी सीजन इस समय पूरे पीक पर है, पूरे शबाब पर है हरियाणा का चुनावी माहौल। और इस चुनावी सीजन के अंदर जहां नेता ढूंढ रहे हैं टिकट कहां मिलेगी, तो राजनीतिक दल नए नए गठबंधन कर रहे हैं। हरियाणा में दो गठबंधन पहले हो चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का, और दूसरा गठबंधन हुआ जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का। अब एक और गठबंधन की आहट है। कल राहुल गांधी ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो सकता है। तो इन्हीं गठबंधनों की राजनीति और इसकी विचारधारा और गठबंधनों की बुनियाद, ऐसे कुछ विषयों पर हम मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, पहचान के मोहताज हैं नहीं, आपसे लगातार हम मिलवाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर थे। सुरजेवाला जी, एक और नया गठबंधन जी, राहुल गांधी ने कल छोड़ दिया जुमला, जुमला ही कह दो इसको मैं, जुमला तो उनके लिए मुनासिब नहीं, मतलब बीजेपी वाले कहे तो जुमला, अगर राजीव राहुल गांधी कहे नहीं, नहीं जुमला तो वो होता है ना, लोगों को बहकाया जाए, ये तो एक विचार है, एक भाई सोच के लिए हम ऐसा कर ले, तो ये भी तो बहकाना है वोटों के लिए, वोटों को बहकाना, शहरी को इकट्ठा कर, नहीं नहीं चलो, हाँ स्वार्थ तो कह सकते हो, स्वार्थ में गठबंधन कहे जाते हैं, तो अब बीजेपी का भी हो चुका, आपने भुला दिया, हलोपा के साथ हो चुका ऑलरेडी, वो तो कह रहे हैं एनडीए का पार्ट हो चुका है। हाँ, हो चुका है एनडीए का पार्ट, इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया का पार्ट तो कहाँ रहा सर, लोकसभा चुनाव होते ही उन्होंने कह दिया था, केजरीवाल ने भी कह दिया था कि गठबंधन यहीं तक था, कह दिया था, और कांग्रेस वालों ने भी कह दिया था गठबंधन यहीं तक था, जेजेपी भी तो इंडिया उसका, उसके बाद प्रदर्शन करने पहुंच गए थे, जेजेपी भी तो एनडीए का वो पार्ट है, सुरजेवाला जी जेजेपी निकाल दिया था उन्होंने, वो पार्ट तो था ना पार्लियामेंट के चुनाव में, उसको भी लोकसभा चुनाव में उसका भी अलग हो गया, तो अलग हो गए, ये तो कहते हैं ना गठबंधन बनते रहते हैं, पार्टियां बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं गठबंधन। अब मैंने वीडियो की सुरजेवाला जी, अभी एक जी मैंने उसमें कहा कि जैसे चुनाव का सीजन होता है वैसे ही जवानी का सीजन होता है यौवन अवस्था का जी, जैसे चुनाव में गठबंधन होते हैं वैसे यौवन अवस्था के लिव इन रिलेशन और लव मैरिज जी, कुछ ऐसे ही है ना चुनावी गठबंधन भी, वो एक सामाजिक बुराई है, और ये एक समाज के अंदर ये सिद्धांतों से समझौता, सिद्धांतों से समझौता अच्छे के लिए हो तो कोई बुरा नहीं है। कैसे सर? यही आम आदमी पार्टी, हाँ इसी आम आदमी पार्टी ने यही कांग्रेस थी। हाँ, 2012-13 का दौर आपको भी याद है, मुझे भी याद है, सारे देश को याद है। बिल्कुल। ऐसा कौन सा नेता कांग्रेस का था जिस पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? सही कह रहे हैं आप। नहीं, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, विचारधारा अगर ना मेल खाती और फिर गठबंधन हो वो तो फिर अनैतिक है। देखो अनैतिक वही लिव इन अनैतिक है। हाँ, एक स्वार्थ के लिए दो लोगों का मिलना जी, एक जोड़ा हो, दो लोग हो, कोई भी उनका मिलना, और इधर स्वार्थ के लिए इनका मिलना अनैतिक माना जाएगा अगर विचारधारा नहीं मेल खाती। हाँ जी। अब जेजेपी की और भाजपा की कहाँ विचारधारा मेल खा रही है? चुनाव में कह देते हैं हमारी विचारधारा मेल खा गई, चुनाव में तो जमुना पार की बात चल रही थी और बाद में फिर वो वही लिव इन रिलेशन लिव इन रिलेशन बात पे आ गए थे। सुरजेवाला जी क्या लगता है? और एक और है, हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी का तो हलोपा से जहाँ समझौता हो चुका है ऑलरेडी, और एक वो अठावले की पार्टी का भी साथ भी आ रहा है, तो जयंत चौधरी अठावले तो कह रहा है 8 सीटें, तो मुझे कौन दे रहा है? नहीं, मुझे उन्हें कोई सीरियस लेने वाली बात है नहीं, अठावले नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि भी नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, ऐसे ही चर्चा में आ रही है कि वो जयंत चौधरी की पार्टी जो है उसका भी चल रहा है कि भी शायद उनको भी 2 सीटों पर लड़ाया जाए। सब पे चर्चा करते हैं सुरजेवाला जी, चलते हैं। सबसे पहली बात ये जी
कि क्या राहुल गांधी को अपने जो उनके सूरमा हैं हरियाणा के जी, उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए कह दिया गठबंधन किया जाए। मेरा जहां तक अपना निजी विचार है, राहुल को ये बात नहीं अखरी कि जो आपने कहा कि उनको भरोसा नहीं है, बल्कि जो माहौल बता रहा है वो तो ये है कि कांग्रेस को किसी, और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई वैसाखियों की ज़रूरत नहीं है हमें, हम अपने अकेले दम पे 90 की 90 सीट लड़ेंगे, और हमारे पास उम्मीदवार भी हैं और जीतने का हमारा पूरा स्कोप भी है। वो तो दोनों पार्टी कह रही हैं। हाँ नहीं, वो कहा करते हैं, लेकिन जो जनता में जो जिस बात की चर्चा है, हाँ मुझे जो लग रहा है कि राहुल जी ने जो ये बात कही, हो सकता है उनके दिमाग में जो इंडिया गठबंधन है ना, उसको वो बरकरार रखना चाहते हो, उनके दिमाग में है कि भाई ये बात ना हो कि भाई इंडिया जो गठबंधन है वो ख़त्म हो गया है। तो राहुल गांधी साथ ही घोषणा कर देते ना कि दिल्ली में भी अलायंस करेंगे गठबंधन, अभी दिल्ली का चुनाव भी है जी, दिल्ली में अलग अलग प्रचार करते घूम रहे हैं दोनों अभी से ही। अगर लोगों को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लें कि भाई हम गठबंधन में साथ आएंगे। देखिए अब तक ये होता रहा है कि बहुत बार, अब जैसे इनेलो का और बीजेपी का वाजपेयी जी के समय में गठबंधन था, लेकिन यूपी का और राजस्थान में इनेलो ने अलग चुनाव लड़ा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, सुरजेवाला जी, कि ऐसा लगता है कि ये जैसे लिव इन रिलेशनशिप और प्रेम विवाह वाली बातें हैं कि यहाँ रास आ रहा तो यहाँ कर लिया, वहाँ रास नहीं आया तो वहाँ दूसरा लिव इन कर लिया। पंजाब में नहीं किया, पंजाब में भी आप पार्टी के साथ नहीं था, हरियाणा में था। हरियाणा में था, मैं वही बोल रहा हूँ, दिल्ली में था। अच्छा मुझे एक बात लगती है सुरजेवाला जी, जी एक पुरानी कहावत है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता। बिल्कुल सही है। गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था जी, गुजरात के विधानसभा चुनाव में 14% के आसपास वोट ले गई आम आदमी पार्टी जी, सीट तो भले ही उनको 3-4 मिली थी जी, पर कांग्रेस को पूरा डेंट मार दिया जी। क्या राहुल गांधी को वो खतरा भी हो सकता है कि हरियाणा में कहीं ऐसे नहीं हो जाए? मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ, राहुल के दिमाग में एक बात तो जो है वो है सभी के दिमाग में भी, शहर के अंदर कुछ वोट 1% आधा% जो है ना वो आम आदमी पार्टी को जा सकता है। इसी तरह अभी पीछे पार्लियामेंट के चुनाव से पहले एक बैठक हुई थी जिसमें खड़गे जी और राहुल जी भी थे, और जो अंदर की बात है जिसमें बहुत से नेता थे, उनका भी यही कहना था, मानना था कि जब वहाँ चर्चा हो रही थी कि हमें कोई समझौता करना चाहिए कि नहीं, हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं, दूसरे नेताओं ने भी मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके जी कुछ नेताओं ने अपने विचार रखे कि समझौते में हमें फ़ायदा है। इनेलो का ग्रामीण क्षेत्र में है, आप पार्टी का शहरी क्षेत्र, लोकसभा के लिए चुनाव में, लोकसभा के लिए, तो हमें कोई हर्ज नहीं है, अगर एक एक सीट इनको दे दी जाए तो हमारा विनिंग जो प्रोस्पेक्टस है वो बढ़ जाएगा। तो उस नज़रिए से ये है कि अपनी कन्फर्म के लिए या हमारी सरकार बन जाए, तो इसलिए ये इस तरह की बातें सोचने का विचार है, अभी देखो क्या होता है। वैसे भी जो अभी आप कह रहे थे, मुझे भी लगता है जी कि शहरी वोटर जी थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की तरफ जो कांग्रेस मानती होगी, हाँ कुछ है, कांग्रेस को भी शहरी वोटर की नीड है और उनका, अच्छा मुझे लगता है कि इनके दोनों का जो वोटों का जो समीकरण है या जो टेस्ट कह लें हम जी, वो एक जैसा है लगभग। दलित वोटर कांग्रेस का भी है, दलित वोटर आम आदमी पार्टी का भी है जी। इसके बाद में अगर हम देखें तो मुस्लिम वोटर कांग्रेस का भी है और मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी का भी है। आम आदमी पार्टी का तो वोटर कोई है ही नहीं, वो जो है कांग्रेस का छिटक के गया। सर दो राज्यों में सरकार बना ली, छिटक के गया है ना कांग्रेस से, दिल्ली का सारा जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो सारा ट्रांसफर। वही कह रहा हूँ, तीसरा खतरा ये भी है कि कहीं हमारा, मैंने आपसे पहले ही कहा, ऐसे मायावती को ऐसे ही, मैंने आपसे पहले ही कहा समाजवादी पार्टी को, गुजरात के अंदर 14% से ज्यादा वोट ले गए जी, और कांग्रेस की लुटिया डुबो थी वहां पर जी, जो कांग्रेस कह रही थी कि मुकाबले में, और पिछले यानी कि 2019 चुनाव था वहां पे 17 वाला जी, उससे भी बड़ा प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये तो यूपी में मायावती जी का भी जो वोट बैंक था वो छिटक के गया है कांग्रेस से, ममता का जो है वेस्ट बंगाल में वो भी कांग्रेस से छिटक के गया है वोट बैंक, और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का ही वोट बैंक था पहले, हाँ वो था कांग्रेस ही थी। ये तो सीधा सीधा है ना, बीजेपी के पास नहीं गया है, बीजेपी का अपना कार्डर है, अपना वोट बैंक है, उसका अलग विचारधारा के लोग हैं, ये तो
अब उस नज़रिए से अब ये चीज़ एक और है जो चिंतक है, जो वहाँ आपने कहा ना, वो जुमला नहीं है वो चिंतन है कि भी पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ अभी उसमें शहरी सीटों पे या जो सेगमेंट थे विधानसभा के वहाँ पर कांग्रेस कुछ कमज़ोर रही और जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ कांग्रेस भारी रही थी। तो वो भी नज़रिया को देखते हुए कि भी आम आदमी पार्टी को मिला लें तो शायद हम और आगे निकल जाएंगे जी। तो ये मैं तो ये समझता हूँ। चलो, अगर वैसे आपको क्या लगता है, अगर समझौता होता है तो कितनी सीटों पर हो सकता है दोनों पार्टियों में? देखिए, अगर मांग तो वो करेंगे, वो कम क्यों करेंगे, वो तो 15 सीटों के आसपास मांग कर रहे हैं और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि 3 या 4 सीट से ऊपर उनको दी जाए। लेकिन अगर सम्मानजनक समझौता किया जाता है तो 5 और 7 सीटों के बीच तो कम से कम। या कम जैसे एक मैंने भी कहा था और एक जगह मैं पढ़ भी रहा था कि जैसे लोकसभा में हुआ जी कि लोकसभा में 1-9 पर हुआ जी, 1-9 का मतलब हो गया 10% सीट उनको दे दी। हाँ, 10% तो 9 सीटें फिर विधानसभा की हो सकती है उसके हिसाब से। वही 5-7 का मैं भी कह रहा हूँ भाई, सम्मानजनक तो यही है। अगर आप 2 सीट या 1 सीट पे कहो तो फिर तो क्या समझौता है? क्या लगता है ताकत बढ़ेगी अगर एक गठबंधन हो जाता है तो? फर्क तो पड़ता है, बट कांग्रेस को मेरे अगर निजी विचार है तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए, इतनी ज़रूरत नहीं है लंबी चौड़े। जैसा कि माहौल बढ़ता जा रहा है, जैसा कि अब भगदड़ मची हुई है और लोगों में आम चर्चाएं हैं, तो कमजोरी की तो कोई बात नहीं है और कांग्रेस अपर हैंड है। सर, भगदड़ कहाँ, जितने जैसे बीजेपी कांग्रेस में लोग जा रहे हैं वैसे ही बीजेपी में आ रहे हैं, रोज एंट्री हो रही है। देखिए, वो है टिकटार थी, बाकी आम जो साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ ना, जो आम आदमी है वो तो चुनाव के दौरान पता चलेगा, वो ज्यादा हो जाएगी लोगों का मूड क्या बन रहा है, शुरुआत हो चुकी है। चलिए, जो है ना, मतलब आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन होगा तो ठीक रहेगा, नहीं होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, यही आपने कहा ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो पार्टी के हिसाब से, पार्टी का निर्णय है, करेंगे तो निर्णय, वही ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा लंबा चौड़ा। हाँ, फायदा तो है ही। देखिए, अगर आपको एक दूसरी पार्टी से वोट, पीछे का एक अनुभव और भी है जी जी, और बकौल चौटाला साहब 2-3 बार ये हुआ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 96 नरवाना में एक बैठक के अंदर चौटाला साहब ने यह फरमाया कि बीजेपी के साथ समझौता किया जाए या बीएसपी के साथ समझौता किया जाए, तो बहुत मंथन हुआ और उस मंथन के बाद चौटाला साहब ने जो शब्द कहे वो वाकई मैं समझता हूँ उनके हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से उनके सही था। उन्होंने का कहना था कि बीजेपी के आने से शोर तो मचता है, वोट जो है वो बीएसपी से समझौता करने में फायदा रहता है, यानी बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया जहाँ जो है बीएसपी के सिंबल पे तो लड़े तो उनका वोट बैंक ट्रांसफर ज्यादा होता है और दूसरे सिंबल पे तो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ। वैसे ये सवाल काल्पनिक है, पर मैं समझता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को 96 में बीएसपी से अलायंस का फायदा मिला था, 4 सांसद बन के आ गए थे उनके जी, और बिना अलायंस के मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके 4 MP बनते। खैर जी, वापस आएंगे उसी सवाल पे भी, इनेलो बसपा गठबंधन फिर हो चुका है एक बार। देखिए, उस वक्त बीच में थोड़ा सा मैं टोक दूँ आपको, उस वक्त ये था कि चौटाला साहब और बंसीलाल जी का बराबर सी का वो चल रहा था माहौल हरियाणा में, तो दोनों सभाओं से ये निकल के आ रहा था कि भाई, लेकिन बात ये आ रही थी कि बीजेपी जिसके साथ समझौता कर लेगी वो विनर होगा। नहीं, मैं लोकसभा की बात, आपको जी, ये विधानसभा की नहीं, मैं विधानसभा की बात, लोकसभा में अलायंस हुआ था बसपा और इनेलो का जी, जो चुनाव हुआ था 1998 में। हाँ, उस चुनाव के अंदर 4 सीटें इनेलो की जीत गई थी और एक बीएसपी का एमपी बन गया था। बिल्कुल हुआ था ऐसा जी, लेकिन मैं 96 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो अलायंस चौटाला के साथ का हुआ ही नहीं, किसी पार्टी से नहीं हुआ। नहीं, ऐन वक्त के ऊपर जो है ना मंथन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो चाहते थे कि वो चौटाला से वो लोकदल के साथ, लेकिन अडवाणी जी ने अपना जो है ना वो कहते हैं वीटो, उसका इस्तेमाल किया, अलायंस नहीं हुआ उनका उसमें, वीटो के इस्तेमाल से जो है ना बनी बनाई बात का हुआ और फिर वो उसका फायदा
चलो ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात हुई कि अगर गठबंधन होता है तो आप कह रहे हो थोड़ा उनको फायदा होगा, फायदा तो अगर ना करें तो कोई जरूरत तो नहीं, कोई है। फर्क लंबा चौड़ा नहीं पड़ने नहीं वाला। ठीक है जी जी, एक गठबंधन हुआ है इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जी, 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी और 53 पर लड़ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। बीएसपी नहीं, वो है आजाद, नहीं नहीं इनेलो और बहुजन समाज पार्टी कह रहा हूं मैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का। यस यस, आजाद समाज पार्टी का तो दुष्यंत के साथ, जेजेपी के साथ पहले बात कर रहे हैं हम। ओके, अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती की पार्टी, सीधे सीधे बता दे लोगों को। हाँ, नहीं बीएसपी। क्या लगता है इन दोनों पार्टियों गठबंधन का, क्या हरियाणा की राजनीति पर कोई असर? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल को जी क्या दलित और जाट मतदाताओं कॉम्बिनेशन फायदा नहीं पहुंचाएगा गठबंधन को? मैंने कहा ना फायदा है बहुत थोड़ा, मैं अच्छा। वरना तो मैं यही कहता कि बिल्कुल भी नहीं। एक सीट थी पिछली बार इनेलो की जी, जीरो थी बीएसपी की जी, क्या लगता है एक जीरो मिलाकर के 10 तक पहुंच सकते हैं? मुश्किल। चलिए अगले सवाल, पहले बाद में वापस आएंगे। एक अलायंस हो गया जननायक जनता पार्टी यानी कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जी, भीम आर्मी ही कहते हैं लोग उसको अब भी। हाँ, नाम आजाद समाज पार्टी भले ही है। हाँ, उससे उसका वो एक वो है, हालांकि मैं मानता हूं कि भीम आर्मी उनका एक सोशल संगठन है और आजाद समाज पार्टी उनकी एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी है। इस गठबंधन का क्या लगता है आपको जी? कुछ भी नहीं, कोई प्रभाव। 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला और 20 सीटों पर ये चाहे 90 पे आजाद समाज पार्टी। हाँ जी, ये चाहे 90 पे लड़ रहे, कोई भविष्य नहीं है इस बार। मेरी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कार्यकर्ता उनसे आज बात हो रही थी जी, वो कह रहे थे दफ्तर पर उनके फार्म हाउस पे भीड़ उमड़ रही है। भीड़ भीड़ तो वो कह रहे थे 11 बजे मिलना था, 2 बजे मुलाकात हो। भीड़ तो 1977 में इंदिरा गांधी जहाँ सभा करती थी, मैंने भी वो सभाएं अटेंड की हैं, देखी हैं हिसार में पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और जहाँ जहाँ भी वो गई बेशुमार भीड़ आती थी। लेकिन वो उसका परिणाम क्या हुआ था? मतलब भीड़ भीड़ कितनी भीड़ का पैमाना नहीं है। नहीं, कितनी भीड़ मानते हो आप वहाँ उनके उस पर फार्म हाउस पे? वो कह रहे 500-700 आदमी कम से कम थे जी आज, टिकट के और इलेक्शन के टाइम में आप कहीं भी देख लें तो देखो ऐसी अगर कांग्रेस की ज्यादा होगी बीजेपी वालों की। इतने तो हरियाणा भवन में हमेशा ही रहते रहे हैं किसी भी पार्टी के दफ्तर पे। हुड्डा साहब के वहाँ दफ्तर में हजार की संख्या में आदमी भी नजर आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आजाद समाज पार्टी से गठबंधन से, चंद्रशेखर रावण से गठबंधन से जी, क्या दुष्यंत चौटाला को फायदा कोई होगा? मुंह छुपाने को मिल जाएगा, बाकी तो कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कोई सीट तो आने से रही। पूरा दावा ठोक रहे हैं उचाना पर दुष्यंत चौटाला। हाँ, दावा तो हर कोई ठोकेगा, दावा ठोकने से कोई सीट थोड़ी मिलती है। सुरजेवाला जी, एक बात चल रही है बड़ी जी कि ये दोनों गठबंधन बीजेपी ने करवाए हैं। हाँ, चर्चा तो ये रहती है और ऐसे गणित लोग करते रहते हैं हमेशा ही, और ऐसा होता रहता है अक्सर भी। कांग्रेस को कैसे कमज़ोर किया जाए, उसका वोट बैंक को कैसे सेंध लगाई जाए, ये तो सीधे तौर पर एक है कि किसी दूसरे उसे नज़रिए से, तो बीजेपी की सोच तो है ऐसा है, लेकिन जब इच्छा हो किसी की तभी तो गठबंधन बनते हैं, ऐसे तो नहीं क्योंकि बीजेपी ने कह दिया उन्होंने गठबंधन कर। क्या लग रहा है हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य, क्या लग रहा है सिनेरियो, क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, इस वक्त राजनीतिक माहौल जो है, इस वक्त आम जनता के अंदर जो धारणा है वो ये है कि बदलाव, परिवर्तन, यानी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बिल्कुल उसका प्रभाव मानते हैं लोग बीजेपी के लिए। हाँ, वो नुकसानदायक है बीजेपी के लिए। अभय सिंह चौटाला से एक दिन मेरी बात हो रही थी जी, तो मैंने उनको बताया कि सर्वे आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस को अब दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं सर्वे तो सर बनावटी होते हैं। नहीं, सर्वे एक तो बनावटी है, आजकल तो सर्वे जो है ना पैकेज के हिसाब से भी बनते हैं। और क्या सर्वे है अब, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो हकीकत है धरातल पर नज़र आ जाती है। अगर आप अपने लोगों से मिलेंगे, आप अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखेंगे, आम जनता की जो जिसको कहते हैं ना हवा, वो कहाँ बह रही है, बस वो बात है। मतलब अंतिम सवाल आपसे करते हैं इस शो का जी,
आपने बताया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने सीटों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने वाला कि भाई बड़ी इससे एकदम, या तो ये हो कि भाई विन मतलब वो जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं छू पा रही पार्टी और फिर इससे फायदा हो जाए, ऐसा मैं नहीं समझता। कुछ थोड़ा बहुत फायदा तो है, हो जाएगा। इनेलो बसपा गठबंधन का आप कह रहे हो कि हरियाणा की राजनीति में कोई खास प्रभाव, बहुत थोड़ा डालेगा तो सही, असर तो रहेगा, बहुत थोड़ा असर तो रहेगा पर कम, बहुत ही कम। और जेजेपी और एएसपी के गठबंधन का प्रभाव बीएसपी इनेलो से ज्यादा या कम? कम, बहुत कम, बहुत कम, आधे से भी कम और भी कम। तो मतलब आमने सामने की टक्कर मानकर चले फिर तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बिल्कुल सीधा। ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी जो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अलायंस होता है तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। बिल्कुल। बीएसपी और इनेलो के लिए कह रहे हैं कि ये गठबंधन हरियाणा की राजनीति में अपनी जगह तो बनाएगा, प्रभाव कितना डालेगा चुनाव जब गणना होगी तो पता चलेगा जी। और दुष्यंत चौटाला और एएसपी का गठबंधन कह रहे हैं निष्प्रभावी होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।